हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बार फिर से CDP के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। आपको यहाँ से बहुत सारा सहयोग मिल सकता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को मिलती रहे। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जो है PDF वगैरह आसानी से मिल सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं CDP का 6th पार्ट। ठीक है, CDP का 6th पार्ट हम शुरू करेंगे और CDP की 6th क्लास है यह आपकी। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। ऑप्शन दिए गए हैं छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थी के अनौपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों की आवश्यकता की पूर्ति, या फिर विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, या फिर अगली ग्रेड में प्रोन्नत, मतलब अगले ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगले ग्रेड में या अगले श्रेणी में जो है प्रोन्नत करना। ठीक है, मतलब जैसे कि आप सभी का रिज़ल्ट वगैरह आता है तो उसमें जो है ग्रेड वगैरह प्राप्त किए जाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा आपको मिलता है? आपको एक क्लास से, आपको निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा के लिए जो है भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है कि अगली ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, आपकी पदोन्नति कर दी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि सतत मूल्यांकन होता क्या है। तो सतत मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों का शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उन सभी गतिविधियों का पूर्ण रूप से क्या करना? मूल्यांकन करना ही आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसे आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण सूचक क्या है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है, शिक्षा की गुणवत्ता को कौन सबसे ज़्यादा जो है सूचित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धि, तो इसे भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है, मौलिक विचार के निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, या फिर मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से, या फिर समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से जो है सृजनशीलता को जो है परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, सृजनशीलता का अर्थ है कि आप मतलब किसी भी परिस्थिति में किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं और उस परिस्थिति का, उस समस्या का समाधान
किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, ये सभी जो है आपके सृजनशीलता के अंतर्गत आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप जो है प्रदर्शित करता है, वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता या फिर सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है आप सभी को अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिए और इसके आंसर को भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैधता एवं विश्वसनीयता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, वैधता एवं विश्वसनीयता, ठीक है। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को कौन जो है सभी सही रूप से प्रदर्शित करता है, तो इन गुणों को कौन प्रदर्शित करता है, मूल्यांकन का जो वैधता होता है और विश्वसनीयता जो है यह इसके गुणों को जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं और यदि आपको जो है कक्षा में कोई विघ्न है या फिर मतलब जब आप व्याख्यान कर रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो यदि आपके कक्षा कक्ष में कोई बाधा आती है, कोई विघ्न आता है, तो आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो वही आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं और आप सभी अपना आंसर जो है सोच लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे और फिर से शुरू कर देंगे, मतलब पढ़ाना जो है फिर से शुरू कर देंगे, या फिर जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करेंगे और जो बाधा डाल रहे हों उन्हें जो है सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर कक्षा में जो है कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका एक जो पॉजिटिव आंसर दिख रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक पॉजिटिव लाइन है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरित जैसे वर्ड का यूज़ किया गया है, तो बच्चों को ना तो हमें दंडित करना है, ठीक है, ना ही उनके सामने चुप हो जाना है एकदम से, और ना ही क्या करना है समस्या से कोई मतलब रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसी कोई गलत गतिविधि जो है कक्षा में एक टीचर को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर आपका क्या आ रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में, जो बाधा डाल रहे हों उन्हें जो है सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उस समस्या का पता लगाना होगा कि बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। यदि उन्हें उस विधि से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने पढ़ाने की विधि चेंज करनी है और साथ ही उनको प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। तो ये दो चीज़ें जो है आपको कक्षा में ध्यान रखनी है अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं, तो ऐसी क्रियाएं जो कि कक्षा कक्ष में स्कूल में जो है विद्यालय में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो चलती हैं, ठीक है, शिक्षा के साथ साथ जो चलती हैं, यही क्रियाएं क्या है आपकी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। आगे देखेंगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर दिया गया है, तो महत्वपूर्ण पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है ना, तो ऑप्शन दिया गया है, बच्चों का सर्वांगीण विकास और पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, या फिर विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, या फिर अभिभावक शिक्षक संबंध को सशक्त बनाना।
तो यहाँ पर पूछा गया है, हाँ अब यहाँ पर चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, ठीक है। पाठ्यचर्या जो भी बच्चे की जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, स्कूल से लेके उसके बाहर की एक्टिविटीज़ तक, तो उसमें क्या करना है, पाठ्यचर्या के प्रति जो है अभिरुचि को उत्पन्न करना है, ठीक है। अभिरुचि उत्पन्न होगी तो उसे जो है सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो है उससे कुछ नया सीखने में जो है सहायता कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक, समाज, विद्यालय या फिर पुस्तकें। तो सामाजिक विकास के बारे में पूछा गया है और उसमें भी पूछा गया है कि आधारभूत तत्व क्या है। तो सामाजिक विकास के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज ही तो होगा, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्धि प्राप्त करना है, व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देना, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देना, या फिर व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, या फिर व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व जो है ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व जो है व्यक्तियों को प्रभावित करने, ठीक है, और अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में जो है दृष्टि का सृजन करता है, ठीक है, एवं उसे जो है उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे भी आपसे भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। प्रधानाचार्य एवं साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात जो है निर्णय लेंगे, या फिर स्पष्टतः मना कर देंगे, या फिर सहर्ष तैयार करेंगे, या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर जो है भाषण देने हेतु कहा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम प्रधानाचार्य एवं अपने साथी शिक्षकों से क्या करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, और उस सलाह के पश्चात जो है आपको निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें, या फिर तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें, या फिर इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे ना तो प्रशंसा हो और ना ही आलोचना के रूप में हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है ना, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो छात्रों को अगर आपको प्रेरित करना है, ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तार्किक रूप से जो है उनकी प्रशंसा करनी होगी व साथ साथ आलोचना भी करनी होगी, ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि यदि मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपके स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ अपना परिचय दीजिए, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके टेट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आप सभी ने अगर जिस किसी ने भी पेपर दिया होगा तो उससे तो ये बातें अच्छे से पता होंगी, ठीक है। जो लोग भी नए हैं तो उनके लिए ये नई बात होगी, तो आज है जो हमने बता दिया है तो आप सभी को जो है याद रखना है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया गया है, संक्षेप में अपना परिचय देंगे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहेंगे, ठीक है। तो याद कीजिए कि आपके टीचर आपके साथ क्या किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, संक्षेप में अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू करें, विस्तार से अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू करें, या फिर उसकी मांग पर ध्यान न दें और पढ़ाना शुरू करें। तो जैसे ही आप कक्षा में आप अपने नए चेहरे के साथ में इंटर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आपको देख करके सबसे पहले तो खुश हो जाएंगे और फिर आपसे कहेंगे कि सर प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना संक्षेप में परिचय दे सकते हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं कि आप भी अपना परिचय दें, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका, अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके, उसके लिए मार्गदर्शक मित्र एवं सूत्राधार बन करके, या फिर उसके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बन करके, या फिर उसका दोस्त बन के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक और छात्र के साथ में संबंध कैसा होता है, कैसा स्थापित करना चाहिए, तो शिक्षक और छात्र के मध्य में मार्गदर्शक का जो है संबंध होना चाहिए, एक अच्छे मित्र की तरह भी संबंध होना चाहिए, और दूसरा जो है सूत्राधार का भी संबंध होना चाहिए। तो ये जो है आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, चलिए कथन देख लेते हैं। एक परिस्थिति जन्य प्रक्रिया, या फिर एक कार्याभिमुखी प्रक्रिया, या फिर एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, या फिर छात्रों एवं अध्यापक के मध्य में कक्षा में सामान्य बातचीत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, तो एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जो है काफ़ी उपयुक्त रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, या फिर दंड का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, बालिका शिक्षा किस लिए आवश्यक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बालिकाएं आगे चलकर जो है अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, वे आधुनिक हो जाएंगी, या फिर बालिकाओं को भी प्रतिभा के
उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे या फिर बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेंगी। तो यहाँ पर क्या आंसर आपको सही लग रहा है? तो जी हाँ, जो आपको सही लग रहा है वही आंसर जो है सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बालिकाओं को भी जो है प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, यदि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में यदि विफल हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, या फिर मौखिक क्षमता, या फिर छात्रों के साथ में सख्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छात्रों के साथ में सख्ती जो है आपके शिक्षण प्रक्रिया की जो है विफलता का मूल कारण रहेगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को भी आपको खास करके ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? तो शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है? शिक्षण विधियों का, या फिर विषय वस्तु अनुभवों, विषय और सामग्री एवं विधियों का, या फिर ऑप्शन और भी देख लेते हैं, अधिगम, विषय वस्तु और शिक्षण विधियां, या फिर अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विषय वस्तु अनुभवों एवं विषय सामग्री एवं विधियां। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक कंडीशन ही रख दी गई है। मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ में साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब बताइए, यदि मान लीजिए कोई छात्र है, आपका कोई छात्र है और अपने समस्या को बताने के लिए वो आपके घर तक पहुंच जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो आपके सामने में चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका एक राइट आंसर होगा। तो चलिए अपने अपने आंसर को आप सभी जांचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, छात्र के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे, या फिर उससे कहेंगे कि जो भी बात है विद्यालय में ही करे, घर ना आया करे, या फिर प्राचार्य से संपर्क करे और उसकी समस्या का समाधान करे, या फिर उचित सहायता प्रदान करें और उसका जो है नैतिक उत्थान करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, उचित सहायता प्रदान करेंगे और उसका जो है नैतिक उत्थान भी करेंगे। तो यह आपका वहाँ पर परम कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, अपने परम कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें, उसकी बात सुनकर उसे अस्वस्थ करेंगे कि शीघ्र ही आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे, या फिर विस्तार से बच्चे के प्रगति के बारे में बताएंगे, या फिर समय का ध्यान रखते हुए कुछ शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
समय का ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। और कुछ शब्दों में जो है आपको क्या करना है, बच्चे की प्रगति के बारे में उसके अभिभावक को जो है बताना है और समय पर अपने विद्यालय भी पहुंचना है। तो ये तीन कार्य आपको करने होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे का अभिभावक रोक करके अपने बच्चे की प्रगति के बारे में पूछता है तब। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थी उस कार्य या टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्ण, समानता, निम्न कठिनाई स्तर या फिर विस्तारित। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न कठिनाई स्तर, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा कठिन टास्क नहीं होते हैं, जो सरल होते हैं उसे क्या करते हैं बच्चे जो हैं आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थित विद्यार्थियों की कुछ अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालयी अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्यवाही करनी चाहिए या फिर विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए या फिर कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति एवं कारणों का जो है पता लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर सभी जो है आपको प्रैक्टिकली आंसर देना है, ठीक है, उलझना नहीं है किसी भी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे को काम का पर्यवेक्षण अपने बच्चे के काम का जो है पर्यवेक्षण करें या फिर अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें या फिर अपने बच्चे को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं या फिर बच्चे की प्रगति के बारे में जो है शिक्षकों के साथ में अक्सर जो है बातचीत किया करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की प्रगति के बारे में जो है शिक्षकों के साथ अक्सर जो है बातचीत किया करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आक्षेप लगाता है, ठीक है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे। मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आपने उसे कम नंबर दिए हैं और उसके दोस्त को जो है अधिक नंबर दिए हैं, ठीक है, उसके नज़र में जो दोस्त जो है कम, थोड़ा सा कम, मतलब कम लेवल रखता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि ये मुझसे कैसे ज़्यादा नंबर पा गया, ठीक है, तो वो क्या करता है आपके ऊपर जो है आकर के पक्षपात का आरोप लगाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके आक्षेप को अस्वीकार करेंगे या फिर दंडात्मक कार्यवाही अपनाएंगे या फिर उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे या फिर उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उससे दिखाएंगे। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को जो है उसकी वास्तविक स्थिति दिखानी पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कमज़ोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा, संगठन में टूटना, संगठन में विद्रोह, संगठन में नई शक्ति का उदय या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि नेतृत्व कमज़ोर है, किसी भी संगठन का नेतृत्व कमज़ोर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठन में टूट आ जाएगी ना, संगठन जो है टूट फूट हो जाएगा, संगठन का टूटना यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उससे जो है कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे। तो
तो चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को जो है परेशानी हो सकती है, या फिर कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में अंधापन है अतः आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आगे की पंक्ति में सीटी की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए जो है सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि मान लीजिए आपके कक्ष में कोई दृष्टिहीन बालक है तो उसे क्या करेंगे, आगे की पंक्ति में उसे बिठाना चाहिए, ठीक है, और सीटी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसे जो है उसके लिए जो है सुविधाजनक जो है गति जो है उसे प्राप्त कराई जा सके, ठीक है, ताकि उसे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आसानी हो सके। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके आगे का जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके आगे के क्वेश्चन ना हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।